गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, टुडे वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट। हियर इज गिवन सेकेंड पार्ट बट मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। ओके, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, लंबा समय नहीं, जब एक घटना हुई तो उसके लंबा समय नहीं हुआ, काफ़ी दिन नहीं बीतता है। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, जो वो अच्छा आदमी था जिसका वो कुत्ता मरा था, वो पुनः स्वप्न देखता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, कुत्ते की आत्मा उससे बोलती है, टेली हिम, बोले उससे, बताते हुए, हाउ द बिग पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कैसे जो है वो बिग पीपल, दुष्ट लोग, उस मील को जला दिए थे जो पाइन ट्री से बना था। टेक द एसेज ऑफ द मील, अब तुम जाओ, एसेज आप जाइए, उस मिल की राख लीजिए, स्प्रिंकल देम ऑन द वीदर ट्रीज, वीदर मन बेयर एंड ड्राई, और स्प्रिंकल मन उसे छिड़कना होता है, स्प्रे करना, एंड दे विल ब्लूम अगेन सेट द डॉग स्पिट, और उसे आप छिड़क दीजिए किसी वीदर ट्रीज पर, वीदर ट्रीज पर माने बेयर ड्राई हो, सूखा हो, ठीक है, नंगा हो, जिसमें पत्ते होते ना, उस पर छिड़क दीजिए, वे पुनः खिल उठेंगे। सेट द डॉग स्प्राइट स्प्रेट, डॉग स्प्रिट ने कहा। द ओल्ड मैन ऑक एंड बेंट एट वंस टू हिज बिगडेड नेबर हाउस, द ओल्ड मैन उठा, फिर वो अपने पड़ोसी घर के पास गया, वेयर ही फाउंड मिजरेबल ओल्ड बेयर सीटिंग एट द एज ऑफ द ईयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ वो देखा वहाँ पाता है कि ये दोनों जो है दुष्ट लोग, जैसे नहीं होता है अंगीठी ताप रहे, ठंडी की बेला है तो उसमें फायर के प्लेस, फायर प्लेस पर बैठे हैं, इन द मिडल ऑफ फ्लोर, जो मिडल फ्लोर है, स्मोकिंग स्पाइनिंग, और स्मोकिंग कर रहे हैं, स्पाइनिंग वाइनिंग, सूद उतना ही काटना होता है, वही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और समय समय पर वे अपने हाथ को सेकते हैं, फिट को विथ ब्लेज, उस ज्वाला के साथ, जो फ्रॉम द सम बीट्स ऑफ द मिल, जो मिल के मिल, जो मिल जो चक वो थी उसको काट दिए ना सब, उस पर जो है उसको जला रहे हैं, तो उससे सेक रहे हैं हाथ को। वाइल बिहाइंड देम ले पाइल ए ब्रोकन पीस, और जबकि जो है जो बचा हुआ अपने पीछे रखे हुए हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर एशेज, ओल्ड मैन जो हम्बली रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है उस राख के लिए। दो द कर्टियस पीपल टर्नड अप देयर नोज एट हिम स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थिन, जो वो कर्टियस कपल था दुष्ट, वो उसकी तरफ देखता है घूर करके और डांटता है कि जैसे वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एस, हुए उसको आज्ञा दे देते हैं, कहते हैं जाओ भर लो उस बास्केट, अपनी बास्केट को उस राख से। ऑन कमिंग होम, कमिंग होम आर द ओल्ड मैन टू हिज वाइफ इन टू द गार्डन, द ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया, इट बींग विंटर, विंटर होने का देयर फेवरेट चेरी ट्री वर बेयर, उनका जो चेरी ट्री था वो बेयर हो चुका था, नंगा हो चुका था, यानी कि झरुर गए थे पकते पकते। हे स्प्रिंकल ए पिंच आप ऐसे जाने दे, पिंच माने चुटकी में, वह स्प्रिंकल पे उस पर स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं। लो स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम व्हिच परफॉर्म द एयर, अब जो होता है ये खिल उठता है और पूरे वातावरण को वहाँ, पूरे हवा को, मतलब वो महक दे देता, परफ्यूम कर देता है। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब यह न्यूज जो है पूरे गाँव में फैल गई। एंड एवरी वन क्राइन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक व्यक्ति इसे देखने के लिए दौड़ा। द कोर्टियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, जो कोर्टियस पीपल जो इसको सुने, इस कहानी को सुने, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ मील केप्ट देम टू वेक मेक वेदर ट्री ब्लूम्स, अब जो होता उस वो भी जो बची हुई राग बची थी उसे उठा करके अब जो होता वे वेदर ट्री पर छिड़कने के लिए कि ताकि ब्लॉसम हो सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग हिज लॉर्ड रेमियो वाज टू पास अलॉन्ग हाई रोड नियर, काइंड ओल्ड मैन जो होता है अब जो होता है ए हियरिंग हिज लॉर्ड, देखिए कि उसका लॉर्ड जैसे डेमियो आया था शुरुआत में ओवर डेमियो वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर विलेज, विलेज से होकर जा रहे हैं सेट आउट से तो निकल पड़ता है उनसे मिलने, देखने उनसे। टेकिंग हिज बास्केट आप ऐसे जाओ, और अपनी बास्केट जो है उस जो जिसमें वो राख भरी उसको ले लेता है। एज द ट्रेन अप्रोच द ट्रेन, ट्रेन माने जो कारवां जा रहा है लोगों का, ठीक है, जो समूह जा रहा है डैमियों के साथ उसको,
जब वो नज़दीक आता ही क्लाइम्ड अप इनटू ए ओल्ड बीदर चेरी ट्री, वो जो होता है एक चेरी ट्री पर चढ़ जाता है, ठीक है, ओल्ड मैन दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो घर के बगल में, जो सड़क के बगल में है। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियो, डैमियो का जब समय था, इट वॉज द कस्टम, यह परंपरा थी, वैन देयर लॉर्ड पास, जब उनके लॉर्ड गुजरते थे, फॉर ऑल लॉयल पीपल टू सेट अप देयर हाई विंडोज, अपने विंडोज को बंद कर, जो ऊंची ऊंची विंडो थी उसको बंद कर ले। विंडो, ऊंची विंडो बंद करने का मतलब क्या है कि मतलब ये ना हो कि लोग अपने राजा, अपने लॉर्ड पर जो है उनके उनसे ऊंचाई पर से देखें, ठीक है, मतलब ये ना लगे वहाँ से छत पर से, मतलब ऊंचे से ना कोई अपने राजा को देखे, अपने उनके सम्मान में बंद होती थी खिड़कियाँ, ठीक है। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट स्लिप पेपर, और वे जो होता था स्लिप आप पेपर भी लगा देते थे, उस पर राइट करवा देते थे उनके सम्मान में कि ऐसी कोई साहस ना करे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन एंड स्लर्ड सिवा, कोई ऐसा अपराध ना करे, असभ्यता ना करे कि जो उनके लाड पर इस तरह देखे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन एंड देयर हैंड्स नी रिमेन प्रोस्टेड अंटिल द प्रोसेशन पास्ड, और जो लोग थे जो रोड के साथ थे, जब ये जहाँ से कारवां गुजरता था सभी लोग अपने हाथ को जोड़ लेते थे, घुटनों पर छू जाते थे, और रिमेन पोस्टेड मतलब दही होते हैं दंडवत प्रणाम करना उस तरह, जब तक वो प्रोसेशन मतलब जुलूस चलाना जाए। द ट्रेन ड्रिव नियर, अब जो ट्रेन होता है नज़दीक आती गई, वन टाल कंपटीन मैन मार्च हेड कैरिंग आउट टू पीपल बाय द वे, अब जो होता है जो ट्रेन नियर अब आ रही थी, एक टाल सक्षम व्यक्ति, कंपिटेंट माने सक्षम व्यक्ति, अब मार्च आगे चल रहा है, तो वो चिल्ला रहा है लोगों को जो रोड से हैं, गेट डाउन योर नी, अपने घुटनों पर झुक जाइए, गेट डाउन योर नी, अपने घुटनों पर झुक जाइए, एंड एवरी नेल डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और प्रत्येक लोग झुक जाते हैं जब भी प्रोसेशन जो जुलूस से जा रहा है। सडनली द लीडर ऑफ वैन कार्ड साइट ऑफ एजेड मैन अप इन द ट्री, अचानक जो होता है वैन, उस गाड़ी का कोई लीडर जो होता है वो एजेड मैन जो पेड़ पर है उसको दिख जाता है। He was about to call out him angry tone, वह उससे बुलाने वाला ही था वो जो वैन का लीडर था, but seeing the such a old fellow, देखता है कि वो बूढ़ा आदमी थे, he pretended not to notice him passed him, वो बहाना कर लेता है कि वो उसे नहीं देखा है जो लीडर है गाड़ी का। So the डैमियो प्लांक्यू ड्रीव, जैसे प्लांक्यू होते होता है जैसे डोली होती है ना, वो पास जैसे आ गई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एस फ्रॉम हिज ब्रांच, द ओल्ड मैन अपने बास्केट से थोड़ी सी राग की पिंच निकल, मतलब चुटकी भर निकाला राग, एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और इसे ट्री पर फेंक दिया, इन ए मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही क्षण में जो होता है पूरा जो चेरी ट्री था फूल उठा। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, द डिलाइटेड डैमियो जो होता है ये देखता है और जो होता है गाड़ी को रोक देता है, कारमा गॉट आउट टू सी द वंडर, और नीचे उतरता देखने, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास बुलाते हुए ही थैंक्ड हिम, वह उसे धन्यवाद देता, ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स स्पॉन्ग केक फैंस अदर रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम, उसे इतनी सामानें दी जाती हैं, राजा खुश होकर के उसको इतनी सामान देता उस ओल्ड मैन को। उसके बाद ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, वो अपने कास्टल भी, वो राजा जो है जो डैमियो हो अपने उस बूढ़े आदमी को कास्टल भी इन्वाइट करता है। सो द ओल्ड मैन बेंड ग्लेफुल्ली होम टू शेयर हिज जॉय विद डियर ओल्ड वाइफ, जो इसलिए ओल्ड मैन जो होता है अपने घर जाता है अपनी वाइफ के साथ उस डिलाइट को शेयर करने। अब देखिए, बट वेन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, जब ग्रीडी नेवर इसे के बारे में सुना तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज, ही बेंट आउट ऑन द हाईवे, वह भी जो मैसेज मैजिक जो एसेज थी राग थी उसको लिया और हाईवे की तरफ चल दिया जो ग्रीडी पीपल थे। अब देयर ही वेटेड अंटिल डैमियोस ट्रेन कम अलॉन्ग, वो तब तक इंतजार किया जब तक वो गाड़ी नहीं आ गई वो दुष्ट जो था, ठीक है। ही क्लाइम्ड ए बीदर चेरी ट्री, वो ए बीदर ट्री पे चढ़ गया, वेन द डैमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डैमियो उसके नीचे आने वाला था, ही ड्रीव नीचे आए ड्रीव, ही थ्रीव ए हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, वह जो होता है राख का एक हैंडफुल राख निकालता है, मतलब मुट्ठी भर राख जो होता है उस ट्री पर फेंक देता है, विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, जिसका एक हिस्सा पेड़ का कुछ ही चेंज नहीं होता जब वो फेंकता है तो। द विंड ब्लू फाइन डस्ट इन नोज इन आई द डैमियो इज वाइफ, अब जो था हवा ऐसी बही कि वो राग जोड़ करके नोज और आइज में चली गई डैमियो और उसकी पत्नी, सच स्नेजिंग एंड चोकिंग, ऐसी मतलब सब खांसते सीखते हैं कि स्पॉइल ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, ये पूरा मतलब डिग्निटी जो जुलूस चल रहा था देखा
पूरा आडंबर के साथ सबको बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू, हाँ द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन योर, जो मैन जिसका बिजनेस था वो चिल्लाया कि एक काम करो आप उतरिए, उतरिए नीचे आइए। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय कॉलर, उस ओल्ड मैन को जो उस दुष्ट आदमी को ये जो है पकड़ते हैं उसके कॉलर से, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री और उसे घसीटते हुए पेड़ से नीचे लाते हैं। ठीक है, वहाँ वो जो आदमी होता है वो सिर्फ चढ़ा रहता था, ये लोग जाते हैं उसे घसीट कर पेड़ से लाते हैं। एंड टम्बल्ड हिम से लुढ़काते हुए इन एस पॉकेट इनटू द डीच बाय द रोड, और उसका जो एस बास्केट था इनटू डीच माने खाई में चली जाती जो रोड बगल में थी। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उससे तेज तेज से पीटने लगते हैं। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। दस बिग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार जो होता है ओल्ड मैन जो ओल्ड वो बिग्ड ओल्ड मैन मर जाता है। बट काइंड फ्रेंड ऑफ दिस गॉड ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, जो काइंड फ्रेंड था डॉग का, कौन ओल्ड कपल जो अच्छा था, वो बहुत अच्छे पीस में रहते हैं। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज, अब जो होता है दोनों पति पत्नी अपने अच्छे दिनों में व्यतीत करते हैं।